क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट को 2.5 लाख तक की फीस नहीं पे करना चाहते? अगर हाँ तो 22,500 रुपए में घर बैठ के StudyIQ के पेनड्राइव कोर्स के साथ आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। आज ही विजिट करें studyiq.com। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक पॉजिटिव शुरुआत करते हैं। एवरी फ्लावर इज अ सोल ब्लॉसमिंग इन नेचर। इसका मतलब ये है कि एक छोटी से छोटी जो कली होती है वो कुदरत की रूह का पता हमें बताती है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, बहुत ही एक डीप थॉट है इसमें। और इसी के साथ आज का जो पहला हमारा एडिटोरियल है, इसका नाम है रेट्रोग्रेड मूव। रेट्रो यानी कि एक पुराना, आप समझ सकते हैं कि मीन्स पुरानी चीज़ें बुरी नहीं होती है, ओल्ड इज़ गोल्ड भी कहते हैं। लेकिन कई बार कानून के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो पुराने लॉज होते हैं, कुछ कठोर लॉज जो पहले थे जनरली स्पीकिंग, तो ऐसे ही किसी एक लॉ को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है। नाउ द थिंग इज, ये जो एडिटोरियल है ये पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है और हाल ही में पंजाब की जो कैबिनेट है, और कैबिनेट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको पता नहीं है तो बताना चाहूँगा कि कैबिनेट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेयर्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, वो मिलते हैं। जैसे कि आपके अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट की कैबिनेट के जो मेन पर्सन है वो हैं आपके चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर आ गए, आपके स्टेट के होम मिनिस्टर आ गए, तो ऐसे दूसरे जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, तो इन सारी मिनिस्ट्रीज़ के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, और इसी के साथ साथ सेक्रेटरिएट होता है, तो आप कैबिनेट को कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट जो होती है उसका हार्ट एंड माइंड अगर कोई है तो वो है कैबिनेट। इसी प्रकार से अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देखा जाए या फिर कैसे लॉज पास किए जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी, मान लीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट के कंटेक्स में किसी लॉ को पास करना है, तो फिर जो वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री हैं, वुमेन चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री, तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं, तो ये ऑफिशियल्स किसी एक लॉ के ऊपर यू नो चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, लॉ में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें इसकी बातचीत होगी। इसके बाद लॉ मिनिस्ट्री से भी कंसल्टेशन लिया जाएगा क्योंकि कानून के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर कैबिनेट जो हैं इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैबिनेट इसके बारे में पहले से ही यू नो थोड़ी बहुत एक्सचेंज तो हो ही जाती है कम्युनिकेशन की, लेकिन जबकि कैबिनेट की मीटिंग होती है तब एक ब्रीफ डिस्कशन से फिर तय किया जाता है कि इसको आगे बढ़ाया जाए या नहीं, और जब इसको कैबिनेट का ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो फिर बाद में इसको पार्लियामेंट में, हमारी जो संसद है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद यू नो लोकसभा राज्यसभा में से पास होकर फिर प्रेसिडेंट के पास आता है। तो द थिंग इज़ कि कैबिनेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेन होता है किसी भी गवर्नमेंट का। एक छोटी सी बैकग्राउंड है ये। नाउ द थिंग इज़, ये जो एडिटोरियल है इसमें बात की गई है कि पंजाब की जो कैबिनेट है उसने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का सैक्रिलेज का मतलब ये है तोड़ना मरोड़ना, यू नो के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसको किसी ने तोड़ा या उसके जो पेजेस हैं वो फाड़ दिए, ऐसी कोई भी एक्ट की, तो उनके ऊपर जो पनिशमेंट होगी वो होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये थोड़ी एक कठोर यहाँ पर बात कर दी है पंजाब की कैबिनेट ने। मैं समझ सकता हूँ कि लोगों की धार्मिक भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ बिट हार्शियर। 2016 में भी पंजाब असेंबली ने एक ऐसा कानून पास किया था, उस टाइम पर गवर्नमेंट अलग थी, लेकिन एनीवेज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स पार्टी और वाई पार्टी, यहाँ पर तो हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें ऑफिशियली हो रही थी। तो 2016 की जो पंजाब असेंबली थी उसने भी एक कानून पास किया था, और ये जो कानून है ये 2016 के टाइम पर ये हुआ था कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले थे 2015 में 2014 में, कि गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं उसको ऐसे कई ऐसे मिस्क्रियंट्स थे, ऐसे कोई एलिमेंट्स थे जो उसका सैक्रिलेज या फिर गुरु ग्रंथ साहिब को तोड़ते थे, राइट, उसको फाड़ डालते थे। तो ये सारे इंसिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर एक कानून पास किया गया। उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसने इस बिल को वापस भेज दिया था, क्योंकि उस टाइम पर पंजाब असेंबली ने सिर्फ, या फिर पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसने सिर्फ एक ही जो धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में बात कही थी, और ये हैं गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन इस बार ये जो पंजाब कैबिनेट का डिसीजन है तो इसमें बाइबल है, कुरान है, भगवत गीता है, दूसरे जो होली बुक्स हैं उनको भी कवर करने की बात कही है यहाँ पर। तो
एट प्रेजेंट इट इज यू कैन से एटलीस्ट ये स्टैंड जो है ये सेक्युलर है. पहले का जो स्टैंड था वो ऑफकोर्स सेंटर ने एंटी सेक्युलर और डिस्क्रिमिनेटरी कहते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया था. अब ये भी चीज़ है कि ऐसे जो लोग ऐसा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन करने की कोशिश की जाती है और दूसरों की भावनाओं को हर्ट करना, दूसरे लोगों की धार्मिक आस्थाओं को हर्ट करना भी कहीं ना कहीं एक अपराध तो है ही, क्योंकि फिर इससे हिंसा पैदा होती है. एक लंबे टाइम तक जो नफरत है उसकी एक दीवार बन जाती है सोसाइटी में और बहुत टाइम लगता है. अच्छी चीज़ें, पता नहीं ये ह्यूमन नेचर हैं कि अच्छी चीज़ें हम फटाफट भूल जाते हैं लेकिन बैड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं. तो इसके पीछे भी साइंस ही हैं लेकिन एनीवेज ये जो बैड एक्सपीरियंस हैं तो फिर इसको जल्दी से भूल नहीं पाते लोग और फिर ये जो नफरत के हिसाब से आप देखें तो पूरी सोसाइटी जो है उसमें क्रैक्स देखने को मिलती है. अब क्या ज़रूरत हो गई एक ऐसे नए कठोर कानून की जब ऑलरेडी हमारे पास सेक्शन 295A है इंडियन पिनल कोड, जिसमें ब्लैस्फेमी शब्द का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना या फिर ईश्वर या फिर किसी भी धार्मिक आस्थाओं के ऊपर गंदी बातें करना, तो इसे ब्लैस्फेमी कहते हैं. तो ऐसे ब्लैस्फेमी का कानून जो है वो IPC में ऑलरेडी दिया हुआ है और इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं मिस्चीवियस या फिर जो ऐसे बदमाश हैं तो ऐसी बातें करके या फिर ऐसे कांड करके वो लोग जो हैं वो सोसाइटी में नफरत की आंधी ना फैलाए. और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी हुई है. द थिंग इज कि ये जो लॉ है इसमें 3 सालों की सज़ा है और आई थिंक ये 3 सालों की सज़ा जो है ये इट्स गुड टू टीच समवन ए गुड लेसन, लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट थोड़ी हार्श चीज़ हो गई है यहाँ पर. और ऑफकोर्स एक हिस्ट्री भी रही है कि इस कानून का जो है वो मिसयूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी पंजाब कैबिनेट को इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए राइट. और सोसाइटी को भी ये समझना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य करता है कोई भी व्यक्ति राइट, एक सेंसिबल व्यक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति को राइट, धर्म के बात नहीं है इन अदर टर्म्स एज वेल, एक वेल मैनर्ड सेंसिबल व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति को बुरा लगे. तो व्हाट वी नीड इज़ वी नीड मोर सेंसिबल पीपल. हमें ये देखना होगा कि हमारी सोसाइटी को और ज़्यादा सेंसिबल हम कैसे बनाएं और अपने आप ये जो चीज़ें हैं वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी. लोगों को चीज़ों के ऊपर भड़कना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए. एक जो कहते हैं दृष्टि हमें पैदा करनी होगी ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें, हम देख सकें कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे हित के लिए की जा रही है और कौन से इश्यूज़ ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पॉइंट्स के लिए क्रिएट किए जा रहे हैं. इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज के PDF को डाउनलोड करने के लिए, आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए विजिट माई फेसबुक पेज, माई फेसबुक प्रोफाइल या फिर दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल. सेकंड जो हमारा आज का आर्टिकल है और ये आर्टिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है पुलिंग बैक फ्रॉम ब्रिंक. ये क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ है और एक नया कॉन्सेप्ट शायद आपने सुना होगा इसके बारे में. इसका नाम है हॉट हाउस अर्थ. इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा. इसके ऊपर से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं. डायरेक्ट प्रश्न की अगर बात करूं तो डायरेक्टली इसके ऊपर MCQ एक बन सकता है और इनडायरेक्ट प्रश्न की बात करूं तो आपको जनरल स्टडीज़ जो हैं उसके मेंस एग्जामिनेशन में जो जनरल स्टडीज़ पेपर हैं या फिर अगर कोई भी दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है तो इसके ऊपर ऐसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है. अगर आप यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है तो इसका अगर आप जिस्ट निकालें राइट, इसका जो मेन जो मुद्दे इसमें बात किए जाते हैं तो उसमें से 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक हैं. इसमें नंबर 1 अगर कोई है तो ये है क्लाइमेट चेंज. नंबर 2 पे आप टेररिज्म को ले सकते हैं. क्लाइमेट चेंज एक टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बींग्स को ही अफेक्ट करती है, लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज है ये पूरी की पूरी दुनिया को, हमारे पूरे दुनिया के जो जीवन है उसको इम्पेक्ट करती है. और यहाँ तक कि आज का जो हमने पॉजिटिव कोट की शुरुआत की जिसमें हमने बात की कि एक छोटी से छोटी जो कली होती है वो भी हमारी जो कुदरत है उसके रूह का जो पता है
वो हमें उस गली में मिल जाता है अगर हमारी वो दृष्टि है तो. तो इन द सेम वे क्लाइमेट चेंज जो है ये पूरी कायनात के लिए, पूरी जो हमारी अर्थ है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है. नाउ द थिंग इज के एक मैगजीन है और ये जो मैगजीन है इसका नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस. और इस मैगजीन में ये बताया है कि जिस प्रकार से जिस यू नो जिस पाथ के ऊपर जिस रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं और जिस प्रकार से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, हम थोड़े ही टाइम में हॉट हाउस अर्थ में पहुंच जाएंगे. और अगर एक बार हम इस हॉट हाउस अर्थ के फेज में पहुंचे, और ये हॉट हाउस अर्थ बेसिकली है क्या कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा आप कह सकते हैं एक ऐसा माहौल जिसमें टेम्परेचर इतना बढ़ गया है और अब इस आप कह सकते हैं इस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि अब वापस जाना, चीज़ों को फिर से जो चीज़ अभी है या पहले थी उसको रिस्टोर करना फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा. और फिर जो है वो चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा बिगड़ती ही जाएगी. आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक फैक्चुअल एग्जांपल से शायद आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सकें. देखिए, जो ग्रीनलैंड है, आपने इस बड़े से टापू का नाम सुना होगा. जो ग्रीनलैंड है, तो ये ग्रीनलैंड नाम ग्रीनलैंड है लेकिन बर्फ से ढका हुआ है. और एक मज़ेदार बात यह है कि आइसलैंड जो है, नाम आइसलैंड है लेकिन ये ग्रीनरी से ढकी हुई है. एनीवेज, तो ये जो ग्रीनलैंड है ये बर्फ़ से ढका हुआ है. और जब गर्मी बढ़ती है तो ये होता है कि यहाँ का जो बर्फ़ है या स्नो और आइस जो है ये मेल्ट होने लगता है. स्नो और आइस को अगर आप पानी के साथ कंपेयर करें, वाटर के साथ कंपेयर करें, तो वाटर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है कंपेयर टू स्नो एंड आइस. तो अब यहाँ पर ग्रीनलैंड में अगर ये स्नो एंड आइस जो है, बर्फ़ अगर पिघल रही है और वो पानी का रूप ले रही है, लिक्विड बन रही है, तो वो और ज़्यादा गर्मी जो है उसको एब्जॉर्ब करने की उसमें कैपेसिटी आ गई. और ये जो गर्मी है फिर और ज़्यादा गर्मी पैदा करेगी जिससे कि स्नो और आइस और ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट होंगे. तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से शायद आप समझ पाएंगे कि अब ये वाटर को फिर से, इस पानी को फिर से स्नो और आइस में कन्वर्ट करना इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल. तो रिटर्न टिकट यहाँ पर नहीं है जब हम हॉट हाउस अर्थ की बात करें. और ये जो पूरी की पूरी चीज़ जो चल रही है उसके पीछे हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं कि हम ही इसके पीछे लाइक ह्यूमन बीइंग्स ने ही इस सिचुएशन को क्रिएट किया है. अगर हमें चीज़ों को बदलना है तो आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी की जो ट्रेंड है और इसके साथ हम जो डिसीजंस लेंगे टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में, फिर सोसाइटी के कंटेक्स्ट में कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें ड्रॉप करनी होगी, आने वाले 10 या 20 सालों में लिए जाने वाले डिसीजंस जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि या तो हम इस हॉट हाउस अर्थ का जो एक फेज़ है उसमें एंटर हों, या फिर करंट सिचुएशन जो है जहाँ पर धीरे धीरे हम चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको फिर से सुधार सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन जो है वो आने वाले 10-20 सालों में, एज़ पर दिस आर्टिकल, 10-20 सालों में तय हो जाएगा कि हम किस जगह पर होंगे, क्या कुछ हम कर पाएंगे या फिर हम मर जाएंगे. इट विल डिपेंड ऑन नेक्स्ट 10-20 ईयर्स. दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंटेक्स्ट में अगर कंपेयर किया जाए तो 2 डिग्री सेल्सियस अगर ये टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है तो फिर एक टिपिंग पॉइंट शब्द का मतलब ये होता है कि यहाँ फॉर एग्जांपल इससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर किसी चीज़ के प्रोडक्शन की या सेल्स की बात करें, किसी व्यक्ति के फेमसता की बात करें, तो एक टाइम तक जो व्यक्ति हैं वो ऑन एन एवरेज काम उनका चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हुई उनके करियर में या फिर एक प्रोडक्ट ऐसा आया जो पहले से चल रहा था लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अब ये टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया और अब ये ऊपर ही जा रहा है, यू नो. तो कई बार ये चीज़ होती है, कई फिल्म स्टार के साथ ये होता है, लंबे टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन एक दो फिल्म ऐसे कर ली अब वो टॉप पर पहुंच गए. नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एग्जांपल से आप इसे शायद ज़्यादा समझ सकते हैं. तो ये जो टिपिंग पॉइंट है, तो एक बार ये टिपिंग पॉइंट तक हम पहुंच गए तो फिर कल जो हम बात कर रहे थे कि हाथी के गिरने से फिर टाइगर, टाइगर के गिरने से पूरा जंगल और जंगल के गिरने से हम गिर जाएंगे, सेम थिंग विल हैपन विथ दिस थिंग एज वेल. CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिलहाल अगर देखा जाए तो 400 ppm कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर में हमें देखने को मिलता है. और फिलहाल जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है 1750s
पे जो टेम्परेचर्स हुआ करते थे उसके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो एक डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल एरा में टेम्परेचर एक डिग्री कम था, ये एवरेज टेम्परेचर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कई जगह पर यह टेम्परेचर 5 डिग्री भी हो सकता है, कई जगह पर यह टेम्परेचर कम हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक डिग्री, और एक डिग्री जब बढ़ता है तो इसकी जो इम्पैक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये लाइक अर्थक्वेक में, यू नो, 6 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक है तो इतना डैमेज करेगा, 7 वाला जो है, यू नो, एक ही पॉइंट आगे बढ़ा लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। सेम थिंग हैपन्स विथ टेम्परेचर एज वेल। अब 3-4 मिलियन यानी कि 30 लाख 40 लाख, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, राइट, तो 3-4 यानी कि 30-40 लाख साल पहले सिचुएशन ये थी कि उस टाइम को मिड प्लियोसिन एरा कहा जाता था, और उस टाइम पर जो पानी का जो सी लेवल है ये 10 से 22 मीटर तक हायर था। कुछ टाइम पहले की ऊपर नज़र डालें तो हम देखने को मिलता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 300-500 ppm था, और यहाँ पर देखिए कि हमारा फ़िलहाल जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है ये है 400 ppm, तो उस टाइम पर ये मिड मीओसिन एरिया था और मीओसिन एरा था, और इस एरा यानी कि एक समय काल था, और इस समय काल में जो पानी है ओशियन जो है उसका ये सी लेवल जो है ये 10 से 60 मीटर हायर था कंपेयर टू टुडे। और धीरे धीरे जिस प्रकार से स्नो मेल्ट हो रहा है, गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में मुश्किलियाँ हमारे लिए और बढ़ सकती हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये एक बहुत फेमस मीटिंग हुई, और COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं COP21 पेरिस, और ये यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस है उसी के तहत काम करती है। तो इसमें ये हमने तय किया है कि टेम्परेचर जो है उसको 2 डिग्री से कम, और हो सके तो 1.5 डिग्री से तो कम ही रखना है। 2 डिग्री तो एक थ्रेशोल्ड है, इसको क्रॉस नहीं करना है हमें, लेकिन 1.5 जो हैं हमें ट्राई करना है कि 1.5 एवरेज टेम्परेचर जो हैं उससे भी कम किया जा सके। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सारे हर्डल्स हैं। आज भी जो एक बिहेवियरल चेंज चाहिए, टेक्नोलॉजी जो हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, ये इनसफिशिएंट है, और इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। मेंस एग्जामिनेशन में यही जो एक्सप्लेनेशन होता है, राइट, यही डिसाइड करता है कि आपको एक 12.5 या फिर 12 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें 2 मार्क मिलेंगे या फिर 6 मार्क मिलेंगे। यू नो, 6 भी मिलते हैं, 4.5-5 मिलते हैं, देन यू आर टेकिंग व्हाट 50-55%, तो दैट्स अ गुड थिंग, उसमें आपको 12 कभी भी शायद नहीं मिलेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इनसफिशिएंट है जब तक बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो ना आए। हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज भी प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंकते हैं, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का हद से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यू नो, बड़े बड़े कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ पैसे देने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब तक ये बिहेवियरल फिर गवर्नेंस में चेंजेस नहीं आएगा तब तक टेक्नोलॉजी जो एलोन जो है वो कुछ नहीं कर सकती। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले और एक डिफरेंस बताना यहाँ पर चाहूँगा, शायद इससे आज की डिस्कशन को आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो इसीलिए इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल हैं, राइट, और ये हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो हैं उसमें आपको आर्कटिक ओशियन देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। तो ये एक महासागर है और यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि दोनों जगह पर आपको बर्फ मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक महासागर जो है उसमें आपको बर्फ़ देखने को मिलती है, और यहाँ पर ज़मीन का एक बड़ा सा टुकड़ा है उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। अगर एक बार ये पिघल गई, राइट, तो फिर शायद इसका रिस्टोरेशन हो सकता है, लेकिन एक बार ये जो एंटार्कटिका है उसमें से बर्फ चली गई तो फिर इसका रिस्टोरेशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब बात करते हैं इन सर्च ऑफ ग्रेटनेस। इन सर्च ऑफ ग्रेटनेस जो है ये साइंटिफिक
जो एक एनवायरमेंट है उसके साथ जुड़ी हुई एक आर्टिकल है, और ये एक मेडल है जिसका नाम है फील्ड्स मेडल। ये फील्ड्स मेडल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, राइट, दिस इज ओरिजिनल फील्ड्स मेडल। और ये फील्ड्स मेडल जो है ये नोबल प्राइज के इक्विवेलेंट है। फ़र्क ये है कि फील्ड्स मेडल मैथमेटिक्स मैथमेटिशियंस को दिया जाता है, दो से चार मैथमेटिशियंस को हर चार सालों में ये अवार्ड दिया जाता है, और उनकी एज जो है ये 40 से कम होनी चाहिए। एक लंबे टाइम तक किसी भी महिला को ये अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन 2014 में एक ईरान की महिला को, फर्स्ट टाइम किसी महिला को, और ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम फॉर ईरानियन लेडी, ये अवार्ड उनको दिया गया। अगर हम देखें तो आज तक किसी भी भारतीय व्यक्ति ने इस मेडल को जीता नहीं है या फिर उनको ये मेडल मिला नहीं है। लेकिन 2014 की बात करें तो इंडियन ओरिजिन कैनेडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन जिनका नाम है मंजुल भार्गवा, उनको ये अवार्ड मिला। 2018 में जो लेटेस्ट अवार्ड दिए गए उसमें से एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है अक्षय वेंकटेश, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन है। अब आप कहेंगे कि हैं तो ये इंडियन ओरिजिन के ही, तो ये भारतीय ही हैं। द थिंग इज यस एज वेल एंड नो एज वेल। यस, उनके परिवार या फिर वे भारत के इनडायरेक्टली हैं, राइट, और हमेशा रहेंगे क्योंकि एक रूट है उसका, उनका जो है रूट वो है भारत। लेकिन अगर हम देखें कि ये जो अक्षय वेंकटेश हैं और ये जो मंजुल भार्गव हैं, तो क्या इनके मैथमेटिक्स के पीछे या फिर इनको जो सपोर्ट एक मिलना चाहिए, उनकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, क्या इसमें हमारे देश का कोई कंट्रीब्यूशन है? अगर देखा जाए रियलिटी तो है नहीं, हमने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। आज उनको अवार्ड मिला है तो हम उनको कह सकते हैं कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन यही चीज़ जो है एक और बड़ा प्रश्न हमारे सामने रखती है। प्रश्न सच में तो ये है कि भारत के जो लोग हैं दूसरे देशों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। नोबेल प्राइज़ की बात करें तो साइंस में आज तक हमें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद देखा जाए तो नहीं मिला है, लेकिन इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो अवार्ड्स मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी प्रूव करता है कि लोगों के अंदर कोई ऐसी खामी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जो हम हैं तो हमारे में वो कैपेसिटी नहीं है, दैट इज़ नॉट राइट, और ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन सिस्टम की बात करें तो हाँ, हम कह सकते हैं कि आज भी हमारे यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। तो रियल प्रॉब्लम जो है ये सिस्टम का है, ना कि लोगों का। लोगों की कैपेसिटी तो है लेकिन वो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे देशों में अच्छा काम करते हैं, एजुकेशन सेंटर हो या फिर रिसर्च हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, तो उसमें हम देखते हैं कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा दूसरी फील्ड्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम बहुत आगे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, राइट, और इंडिया के बाहर ही नहीं, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में अपना बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है। तो देखिए, चेस हैं, बैडमिंटन हैं, तो ये सारे कुछ ऐसे अच्छे एग्जांपल्स हैं जिसे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जो हैं वो दूसरी फील्ड में ग्लोबल लीडर्स बन चुके हैं और हैं भी, राइट। हम साइंस की अगर बात कर रहे थे तो साइंस की बात करूं तो थर्ड लार्जेस्ट अगर साइंटिफिक मैन पावर किसी देश के पास है तो वो हमारे पास है, लेकिन दुखद बात ये है कि क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो हम बहुत पीछे हैं। हमारे स्कूल में या फिर हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स, और अगर आप जाइए बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में और छोटी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में जाएँ तो आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कल्चर का, राइट। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन कल्चर जो है उसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमारे सोसाइटी में आज भी जो गलतियाँ करना है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, फेलियर जो है वो एक्सेप्ट करने का कल्चर ही नहीं है, तो इससे सक्सेस नहीं मिल रहा है, इससे ये हो रहा है कि हम ट्राई ही नहीं करते हैं। चेस और बैडमिंटन के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें हम टॉप हैं, रह चुके हैं। दूसरे एरियाज हैं जैसे कि म्यूज़िक हैं, आर्ट हैं, लिटरेचर हैं, उसमें भी हम ग्लोबल लीडर्स हैं, रह चुके हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक पैराडॉक्स भी दिखाती है हमारी सोसाइटी के बारे में कि क्यों ऐसे कुछ एरियाज हैं, और ख़ास करके वे एरियाज जैसे कि म्यूज़िक हैं, आर्ट है, लिटरेचर हैं, जिसमें गवर्नमेंट का ना के बराबर सपोर्ट मिलता था। फिलहाल थोड़े बहुत सपोर्ट अब मिलने लगे हैं, लेकिन पहले तो ना के बराबर मिलता था, कॉरपोरेट ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, तो भी लोग
इस ऊंचाई तक पहुंच पाए। और ये जो एजुकेशन की बात करें तो आज़ादी के टाइम से ही एजुकेशन में सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन फिर भी साइंस में हम इतने आगे क्यों नहीं बढ़े, तो इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि लोगों ने खुद यू नो पर्सनल सेक्रीफाइसेस किए हैं, उनके परिवारजनों ने सेक्रीफाइसेस किए और ये यहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात करें तो स्कूल में आज भी आपको पता है राइट, इसके बारे में बहुत बात नहीं करूँगा फिर बोरिंग हो जाएगी, रियलिटी तो ये है कि बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पर उनको वो जगलिंग करते रहते हैं, यू नो स्कूल से निकले और ट्यूशंस के लिए गए, पढ़ाई ही उनका जो मेन एक ही चीज़ कि पढ़ाई कीजिए, लेकिन ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। फिर साइंस एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे यहाँ पर का विज़न ही इतना अच्छा आप कह सकते हैं, इतना फ्रीडम नहीं दिया जाता, गलतियाँ नहीं करने देते, यू नो मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ योर लर्निंग। और कल्चर जो हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे 1750s के टाइम के, इंग्लैंड की हिस्ट्री को अगर आप पढ़ें, उनकी सोसाइटी को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कोई नई चीज़ करता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाता था, लाइब्रेरीज, यू नो रीडिंग का कल्चर, ज्ञान का कल्चर, ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में इस टाइम पर हमें देखने को मिलती थी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि वहाँ पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और फिर दुनिया जो है ये हिस्ट्री जानती हैं कि कैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और ये आज तक उनके एडवांटेज के लिए काम करता है। तो हमें चेंज करना होगा हमारा कल्चर राइट। आज भी हमारे जो आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर्स हैं, राइटर्स हैं और दूसरे ऐसे एक्सीलेंट व्यक्तिस हैं, उनको आज भी पेंशन या फिर सैलरी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, वो अपने आप ही यू नो स्ट्रगल करते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टैलेंट है। और साइंस की अगर बात करें तो कल्चर राइट ये चेंज करना होगा, और इसी के साथ साथ अलग अलग फील्ड को सपोर्ट करने से ही आपको हर जगह पर, अगर आपको किसी भी एक फील्ड में एक्सीलेंस लेनी है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में पैसे देते रहिए और एक्सीलेंस मिल जाएगा, नॉट एट ऑल। ओवरऑल जो एक पूरा कल्चर होता है सोसाइटी में, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, साइंस भी हैं, इमोशंस भी हैं, फैमिलीज हैं, राइट, तो ये सारी चीज़ें, आर्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें जब प्रमोट होगी तो एक कोबवेब की तरह है राइट, मकड़ी के जाले की तरह है कि एक अगर आप स्ट्रिंग को छुएंगे तो सारी जो स्ट्रिंग्स है वो हिलने लगेगी। सेम थिंग, अगर एक स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग्स जो मजबूत होगी तो पूरी आपका जो जाल है वो मजबूत हो जाएगा। टिल्टिंग एट विंडमिल्स, ये जो आर्टिकल है ये यूएसए के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम जानते हैं कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसकी कम समझ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है मिस्टर ट्रंप की जो ये प्रोटेक्शनिस्ट की थियरी है उसमें, क्योंकि आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए 60% ऐसे चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स हैं जो यूएसए में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये 60% जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो चाइनीज़ कंपनीज़ के द्वारा नहीं की जाती राइट, वो दूसरे देशों की कंपनीज़ जो चाइना में ऑपरेट कर रही है, और इसमें से बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो यूएसए की हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो चाइना से यूएसए एक्सपोर्ट किए जाते हैं या फिर यूएसए में इंपोर्ट किए जाते हैं, वो यूएसए के प्रोडक्शन राइट, यूएसए में जो कंप्यूटर राउटर्स हैं या फिर दूसरे जो बोर्ड मोटर्स हैं, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, तो इनके ऊपर टैरिफ लगाना यानी कि चीज़ों को और ज़्यादा महंगा बनाया जाता है। लोग इसके बारे में समझते शायद कम हैं, लेकिन बर्डन जो है हाई टैरिफ का एंड ऑफ द डे यूएसए के लोगों को ही भरना पड़ता है। फिर पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है जिसके मुताबिक 87% जो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूएसए में इंपोर्ट की जाती है, तो इसके पीछे बड़ी बड़ी कंपनीज अलग अलग देशों की हैं, साउथ कोरिया, जापान और यूएसए की भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो इनके ऊपर भी टैरिफ लगाना यूएसए की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब यह है कि कॉल सेंटर भारत में है, प्रोडक्शन हो रहा है फॉर एग्जांपल अफ्रीका में, मटेरियल आपको मिल रहा है मे बी साउथ अमेरिका से, और कंपनी जो है वो यूएसए की हैं, तो इसे कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन राइट। अलग अलग जगहों पर बेस्ट जो भी चीज़ जिस जगह पर हो सकती है उसको वहीं पर किया जाता है। रिटालिएटरी टैरिफ्स जो चाइना लगा रहा है, यानी कि चाइना ने भी यूएसए के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, तो इससे जर्मनी की हालत बुरी हुई है, जर्मनी की कंपनी की, क्योंकि बीएमडब्ल्यू की बात करें तो सबसे बड़ी फैक्ट्री बीएमडब्ल्यू की जर्मनी में नहीं लेकिन यूएसए में है, तो वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जॉब्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं आज के ज़माने में, जब कंप्यूटर और मशीन के द्वारा चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो लोगों को अच्छी अगर पे हमें देनी है तो उनकी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसे टैरिफ्स जो हैं
ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए. सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज आर्टिकल्स आर कंसर्न. ये वाला आर्टिकल, ये वाला एंड दिस वन, दे एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. ये फिल्म के बारे में बात कर रहा है, ये जो है एक इंडोनेशिया के पॉलिटिक्स के बारे में, और ये ग्रीस के पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही है. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में. बहुत ही क्विकली मैं आपको बता दूं कि केरला ने ये बताया है, या तो आप 700 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट कर लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर वो पैसे जो हैं वो हमें कॉम्पनसेट कीजिए. इंडिया और पाकिस्तान की टाई जो हैं ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताया है चाइना ने. गुडविल एम्बेसडर विजिट किया यू नो सिद्धू साहब ने, तो ये एक फिर से न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है. कल भी हमने बात की थी, चार लोगों की मृत्यु हुई और 23 लोग यू नो हर्ट हुए हैं एक मुंबई की बिल्डिंग में आग लगने से. कई जगह पर लोगों ने इस प्रकार से ईद मनाई, कल ईद का त्यौहार था, तो कई जगह पर पत्थरबाजी हुई और कई जगह पर इस तरीके से ईद मनाई. ऑफ कोर्स ये जो तरीका है, हेड्स ऑफ के दूसरे लोगों के लिए यू नो भाईचारा ही ईद का संदेश है, नो डाउट. और एनजीटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि 3 महीनों के अंदर आप एक्शन प्लान बनाए कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की आइटम्स हैं उसको आप हैंडल कर रहे हैं. हमने एज ए कंट्री पोलाइटली यूएई की जो ऑफर थी $700 मिलियन हेल्प की, तो इसको हमने पोलाइटली कहा है नो, हम अपने आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे. क्वाड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. क्वाड यानी कि चार देशों के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है. मेन पर्पस जो है वो ये है कि इंडियन ओशियन रीजन में और पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को मेंटेन करना, रिलेशनशिप को और ज़्यादा डेवलप करना, और सच में देखा जाए तो चाइना को कैसे कंट्रोल किया जा सके, ये चारों देशों के लिए एक चिंता का विषय है. तो एक बात हुई है कि पूरा जो हिंद महासागर का रीजन है उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना ये क्वाड के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये एक चीज़ जापान के एक डिप्लोमेट ने बताई. और इसरो जो है वो एडवांस्ड मटेरियल देश में पैदा हो ये चाहता है, ताकि हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना ना पड़े. इसमें एल्यूमिनियम है, बेरिलियम है, बेरिलियम एलॉयज हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं. और कल हम बात कर रहे थे कि यूरिनेटिंग इन पब्लिक और इन ओपन, नॉट इन पब्लिक बट इन ओपन, तो ये एक चीज़ है जो एक नेक्स्ट टारगेट है स्वच्छ भारत का. इकोनॉमिक न्यूज़ की बात करें फाइनेंशियल वर्ल्ड की, तो यहाँ पर देखिए कॉलेजियम जो है, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम है उसमें 5 मेंबर होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की जो कॉलेजियम है उसमें 3 मेंबर रहते हैं. तो ये एक विवाद है कि ओडिशा की जो कॉलेजियम है उसके 2 जो जजेस हैं उसने किसी एक दो कैंडिडेट्स एक किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए ना कहा, लेकिन फिर भी उनका नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है. तो ये एक चर्चा का विषय बन सकता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेट की जो गाइडलाइंस हैं उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहती है. फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना, ग्रीवियंस ऑफिसर हों राइट, और इसके अलावा प्राइवेसी जो है इसका ब्रीच ना हो, ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है. मेड इन इंडिया, अगर हम मोबाइल फ़ोन्स और जिस प्रकार से मोबाइल हैंडसेट, यानी कि 290 मिलियन हैंडसेट्स जो हैं वो यहाँ पर हमने बनाए, मोबाइल फ़ोन्स का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हुआ, और इससे 60,000 करोड़ रुपीज़ जो पैसे बाहर चले जाते हैं उसकी हमने बचत की है. वेज प्रेशर, तो एमजी नरेगा जो हैं उसमें जो काम करने वाले लोग हैं तो उनको और ज़्यादा वेज यानी कि और ज़्यादा उनकी जो सैलरी है वो बढ़े, तो इसके ऊपर बातचीत हो रही है. सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो हरियाणा देती है, सबसे कम में है बिहार और झारखंड. और इसी के साथ यहाँ पर देखिए कि टेम्परेचर के बढ़ने से कैसे जो गेहूं है उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो रही है. बहुत सारे देश जो ऐसे हैं इनके एग्जाम्पल हैं, आप अच्छे से इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा. मिस्टर ट्रंप के एक एसोसिएट हैं तो उन्होंने माइकल फ्लिन उन्होंने ये स्वीकारा है कि उनके रिलेशनशिप रशिया के साथ थे और एफबीआई के एजेंट्स के सामने वो झूठ बोले थे. कुछ वोकेबुलरी, कल मैंने आपको प्रश्न पूछा था एड, तो एड का मतलब है असिस्टेंट, ऑक्सिलरी या फिर एडजेंटेंट, इसका मतलब है सहयोगी, संगी या फिर साथी. डिवोटेड एक शब्द है, इसका मतलब है समर्पित या भक्त या फिर अनुरागी. पेजेंट शब्द का मतलब होता है किसान, लेकिन यहाँ पर जो किसान है उनको फार्मर कहते हैं, लेकिन पेजेंट का मतलब है एक बहुत ही गरीब किसान जिसका स्टेटस कम है, तो इसे पेजेंट कहते हैं. जनरस का मतलब होता है उदार,
दानी प्रचुर, और एक शब्द क्वेश्चन है एक्सटिंक्शन, इसका मतलब क्या होता है। कल आपको जो प्रश्न पूछा था तो इसमें है हनोई है, फिर म्यांमार का नेपी तो है वियंतियान, फिर आता है मनीला, बैंकॉक, फिर आता है ये नोम फैन, फिर बंदर सेरी बागवान, क्वालालंपुर, सिंगापुर और जकार्ता। आज का मैप बेस्ड क्वेश्चन ये है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, आज समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।